जो अटकलें काफी समय से लग रही थी आखिरकार वो कल शाम सच साबित हुई। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आज सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिन के 12 बजे आम आदमी पार्टी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने वाली है। आपके प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। गिरफ्तारी से पहले और बाद में आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है। इसके पहले कल भी आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की थी। सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले सिसोदिया ने राजघाट पर बापू को नमन किया। वहीं मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो डरने वाले नहीं है। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीरें, पेशी से पहले राजघाट में हाजिरी लगाई, बापू को नमन किया और गिरफ्तारी से पहले कार्यकर्ताओं के सामने हुंकार भरते हुए नजर आई, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया किसी से डरता नहीं है। और आज गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया की होनी है कोर्ट में पेशी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी अंदेशा तो सुबह में ही हो गया था। पूरे 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद रविवार शाम करीब 7:20 पर सीबीआई ने वो औपचारिकता भी पूरी कर दी। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने यानी 120B, 477A यानी सबूत को मिटाने और आईपीसी की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया है। मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। मनीष जी, दुख होता है कहते हुए, यू प्लेड विद द लाइव्स ऑफ आवर किड्स, आपने हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। दिल्ली के बच्चों के जीवन के साथ, दिल्ली की महिलाओं के जीवन के साथ आपने ठीक नहीं किया। शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में 2 लोगों की गवाही ने सिसोदिया के लिए कानूनी फंदे का काम किया। वो हैं सिसोदिया के करीबी रहे कारोबारी दिनेश अरोड़ा और एक एक्साइज विभाग में कार्यरत आईएएस ऑफिसर। शराब घोटाले में सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था और बाद में सरकारी गवाह बनकर दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच में मदद की। वहीं आईएएस अधिकारी ने सीबीआई को बताया कि शराब नीति के सारे आदेश सिसोदिया ने ही दिए थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे उस अधिकारी का बयान भी बताया जा रहा है जिसे धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया था। दरअसल सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि उस अधिकारी ने अपने बयान में कहा हुआ था कि जब मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे उस वक्त उन्होंने ही निर्देश दिया हुआ था शराब नीति में बदलाव करने का, और उनके ही निर्देश पर जो मुनाफा था उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया था जिसका सीधा फायदा शराब व्यापारियों को हो रहा था। जब मनीष सिसोदिया से उस बयान को लेकर सवाल जवाब किया गया तो मनीष सिसोदिया के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी आबकारी मंत्री के अलावा 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ और 6 अन्य के खिलाफ 25 नवंबर को आरोप पत्र दायर किया गया था। सिसोदिया को 19 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें 26 फरवरी जांच में शामिल होने के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत एक नोटिस जारी किया गया जिसमें दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को उनकी पूछताछ में उत्तर देने के दौरान उनके द्वारा टाले गए प्रश्नों के उत्तर देने एवं इसके अतिरिक्त मामले की जांच के दौरान एकत्रित किए गए सबूतों के आधार पर उनकी आपराधिक भूमिका से संबंधित पूछताछ करनी थी, लेकिन उन्होंने टालमटोल जवाब दिए और सबूतों का सामना कराए जाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
सिसोदिया को आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। उधर आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बताकर राजधानी की सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुकी है। यानी आज दिल्ली में सियासी पारा गर्म रहने वाला है। मनीष पांडे और अरुण ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मनीष सिसोदिया कल जब पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय जा रहे थे तभी उन्होंने कह दिया था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पार्टी के तमाम नेता भले ही गिरफ्तारी की बात कह रहे थे लेकिन उन्हें अंदर से यही लग रहा था कि सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई बहुत करीबी मृत्यु के निकट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब इसका मिलना मुश्किल है, इसका बचना मुश्किल है, शायद ये ना बचें, मगर फिर भी आपके मन में ये उम्मीद होती है कि भाई डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं बचे, मगर हो सकता है भगवान इसको बचा ही ले, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए। तो हम लोगों के मन में भी यही था और मैंने मनीष जी को कहा, मैंने कहा मनीष जी सारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि आप गिरफ्तार हो गए, और क्योंकि इतने सारे सूत्र बता रहे हैं गिरफ्तार होने, कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर जो है केंद्र सरकार ने जानबूझ के प्लांट की हो कि सिर्फ इनको डराया जाए, देखा जाए कि चलो इनको गिरफ्तारी कह के जो है डराया जाए और माहौल बनाया जाए। तो मनीष जी भी मुस्कुरा के रहे, हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं, हम बार बार मीडिया को कह रहे थे कि वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि हमें सूत्र बता रहे थे गिरफ्तार हो गए, मगर मन में कहीं ना कहीं ऐसा एक खुशी थी कि शायद वो गिरफ्तार नहीं हो, एक 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 होप थी कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे और ये सब कुछ जो है वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी है कुछ महीने पहले, उनकी गिरफ्तारी के सारे जो है सूत्र बता रहे थे वो गिरफ्तार होंगे, मगर क्योंकि इतना बड़ा जलसा उनके साथ निकला कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक तौर पर तय किया कि गुजरात में एमसीडी में चुनाव है तो उसको टाल दिया। तो लगातार आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर हमला जारी है, लेकिन इन सब के बीच मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है कोर्ट के भीतर, लेकिन आम आदमी पार्टी की जबरदस्त प्रदर्शन की भी बड़ी तैयारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, उनकी मौजूदगी, और हमारे साथ राहुल गौतम जुड़ चुके हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए कब लेकर जाया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि समय क्या होगा मनीष सिसोदिया को पेशी में ले जाने का। लेकिन आपको हम ये भी बता दें चित्रा, कि जहां हम मौजूद हैं मेरे ठीक सामने देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट है, और राउज एवेन्यू कोर्ट क्योंकि यहां पे मौजूद है इसलिए भी चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें कुछ इस तरह की है, ये देखिए। आम आदमी पार्टी के समर्थक भले ना पहुंचे हो लेकिन दिल्ली पुलिस और फोर्स यहां पहुंच चुकी है। इनके हाथ में आपको लाठी नजर आएगी, जैकेट नजर आएगी, हेलमेट नजर आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ छावनी की तस्वीर बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए आप, यहां पे तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी पहुंच गए हैं। तो जाहिर है क्योंकि कोर्ट भी नजदीक है तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का रिस्क दिल्ली पुलिस नहीं लेना चाहती है। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान है, ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाता है और सामने आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पे कुछ ही देर में समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखना ये भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की रणनीति होती है। क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है चित्रा कि जहां हम मौजूद हैं यहां पर ही बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी समर्थकों को रोक लिया जाता है, लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, भारी पुलिस बल फोर्स यहां तैनात है, आगे वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है, बसें यहां पर तैनात की गई हैं कि अगर समर्थकों को हिरासत में लेकर जाना पड़ा तो उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें चित्रा, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो आज देश भर में हल्ला बोल करेंगी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को काले दिवस के रूप में मनाएंगी। तो देखना यह भी होगा कि आज किस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी का घेराव करती है, क्योंकि इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी फर्जी बता रही है। और कहीं ना कहीं खुद अरविंद केजरीवाल सामने आके कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया देशभक्त हैं, वो बहुत शरीफ हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, ये कोर्ट के भीतर किस तरह से भी काम आएगी, इसका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल दिल्ली में सरकार का भी है, क्योंकि कुल ऐसे 33 विभाग थे जिसमें से 18 सिसोदिया संभाल रहे थे, वित्त विभाग भी उनके पास था। पिछले समय हमने देखा कि किस तरह से बजट
बजट का हवाला देकर उन्होंने पेशे से छूट मांगी थी। जल्द ही दिल्ली सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, ऐसे में अब आगे आम आदमी पार्टी की एक तरफ रणनीति है प्रदर्शन की, तो दूसरी तरफ सरकार चलाने को लेकर, क्योंकि अहम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। इस सवाल का जवाब पंकज आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले राहुल आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी आज जबरदस्त प्रदर्शन की भी तैयारी में है। 12 बजे राजधानी दिल्ली में कौन कौन से वो हिस्से होंगे जहां पर आपके कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ दंगल देखा जाएगा? देखिए, तकरीबन 12 बजे का कॉल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और एक मार्च जो है वो बढ़ेगा जो बीजेपी का ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, उसकी तरफ। जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की, पूरी तरीके से ये बताया जाए कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया एक राजनीतिक शहीद है। ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये एक बोगस मामला है और ये इसीलिए फाइल किया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पोटेंशियल चैलेंजर के तौर पर उभर रही थी बीजेपी के लिए। इस वजह से जो बीजेपी है वो डरी हुई थी। मैं अभी मौजूद हूं घर के बाहर, AB 17 मथुरा रोड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से शांति है। कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे। जो मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उनको पूरी तरीके से अश्योर किया था कि इस मुश्किल घड़ी में जो पूरी पार्टी है वो उनके साथ में मजबूती से खड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, बैरिकेड्स लगा के इस रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जमा ना हो सके। आप देखिए इनके पास राइट गियर भी है, इनके पास लाठी है, तमाम शील्ड्स हैं और कोशिश है कि किसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन ना हो सके। आज एक बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, काफी मुश्किल की घड़ी है, इसीलिए कॉल दी गई है। पूरे देश भर के अंदर एक काला दिवस के तौर पर पार्टी इसको मना रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जगह जगह पर पार्टी इसका विरोध करेगी और आप ये मान के चलिए चित्रा कि दिल्ली के अंदर अब एक लंबी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि उसके जो नेता है उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आप जानती हैं सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और अब मनीष सिसोदिया, जाहिर है दिल्ली सरकार को लेकर भी अब क्राइसिस होगा क्योंकि 33 डिपार्टमेंट में से 18 जो डिपार्टमेंट से वो मनीष सिसोदिया के पास थे। दिल्ली का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जिस मॉडल की बार बार बात की जाती है उसके पोस्टर बॉय थे, फेस थे। अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी पार्टी अब ये देखना होगा, लेकिन जो पार्टी है जब से बनी है, जब से फाउंड की गई है, तब से सबसे मुश्किल दौर में आप कह सकते हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके नंबर दो व्यक्ति पर आरोप लगे हैं शराब घोटाले के। जून 2022 से ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के भीतर हैं, फिलहाल वो बिना विभाग के मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया 33 में से 18 विभाग संभाल रहे थे जिनमें गृह, वित्त और शिक्षा ये प्रमुख विभाग आ जाते हैं। कल हमने शिक्षा पर देखा था कि किस तरह से बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपका अंकल जेल जा रहा है, आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मैं खाना छोड़ दूंगा जेल के भीतर, इस तरह की इमोशनल बातें करते हुए भी मनीष सिसोदिया का नजर आए थे। लेकिन पंकज आपका रुख करते हुए अब सबसे ज्यादा जरूरी तो यही हो जाता है, देखिए आम आदमी पार्टी की बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई की बड़ी तैयारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन अगर 2022 में ही लगातार जब से वो जेल गया तब से जेल के भीतर हैं, वहीं मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप में अब उनको पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में ये जो अहम विभाग हैं अब उसको लेकर किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? देखिए चित्रा, हम आपको बता दें कि मार्च महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट को पेश किया जाना है। अब आम आदमी पार्टी सरकार के सामने ये चुनौती है कि ये बजट कौन पेश करेगा। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो राजस्व मंत्री हैं, हालांकि वो बैठक में शामिल होते हैं, बजट बनाने की प्रक्रिया जो होती है उस दौरान वो मनीष सिसोदिया के साथ शामिल हो रहे थे बैठक में, तो ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि जो राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत हैं दिल्ली सरकार में, वो कहीं ना कहीं इस बजट को पेश कर सकते हैं। लेकिन ये महज एक कयास है, आखिरी डिसीजन जो है वो आम आदमी पार्टी को ही लेना है और इसके लिए हो सकता है कि कोई एक बैठक भी हो। और दूसरा, हम आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते जब समय मांगा था बजट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एक हफ्ते का समय था इस दौरान मनीष सिसोदिया बजट को फाइनल कर चुके हैं, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो जाहिर है कि अब बजट को कब पेश करना है, बजट की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर बाद में ऐलान किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह भी है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार लगातार LG केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रहती है कि उनके काम में अड़ंगा डाला जाता है, ये विवाद अब और गहरा सकता है, क्योंकि कल हमने सवाल पूछा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि अब सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि एकदम सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा और वित्त विभाग देख रहे थे, वो दोनों अब जेल में है, तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ये बेशक संकट का वक्त है, क्योंकि यहाँ एक अहम बात आपको बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल एलजी से टकराव नहीं ले रहे होते थे उस वक्त मनीष सिसोदिया थे जो लगातार एलजी को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछते थे चित्रा, तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखना होगा कि कौन वो मंत्री होगा जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी और कैसे अब आम आदमी पार्टी सरकार का काम आगे बढ़ेगा। काफी अहम सवाल है कि आखिर मनीष सिसोदिया के अलावा दूसरे नंबर के लिए भरोसेमंद अरविंद केजरीवाल के लिए कौन है, क्योंकि 18 बड़े बड़े विभाग अगर सिसोदिया संभाल रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा, कोर्ट से उनको राहत मिलती है या फिर आफत और ज्यादा बढ़ जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप में जबरदस्त आक्रोश है, पार्टी नेता इसे बीजेपी की तानाशाही करार दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी करके, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके मोदी जी को एक गलत फहमी है कि आम आदमी पार्टी का कारवां रुक जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम किसी भी जेल और लाठी की कार्रवाई से, मुकदमों की कार्रवाई से डरने और रुकने वाले नहीं। मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी आपकी तानाशाही की पराकाष्ठा है मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी को उन 18 लाख बच्चों की हाय लगेगी जिन 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। हम जैसा कि हम पढ़ा करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता के नशे में चूर है, ड्रंक ऑन पावर है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जिसके पूरे देश के सामने आज की तारीख नोट कर लीजिए, मैं दावा करके कह सकती हूँ कि इस केस को कोर्ट में जाने दीजिए, ट्रायल होने दीजिए, वो उसमें भी सीबीआई एक रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाएगी। आपको भरोसा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, उनके पास, उनके हाथ में एजेंसियां हैं, तो वो अरेस्ट कर सकती हैं, उन्होंने अरेस्ट किया है। ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है। ये गुजरात में भी गए, वहाँ 13% वोट लेके आए, ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। एक तरफ आपके नेताओं को सुन रहे थे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए, वहीं दोनों दलों के बीच में आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। कानून अपना काम कर रहा है, कानून जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम बहस करके थोड़ी किसी को जेल करा सकते हैं, और आज जैसा उन्होंने किया वैसा भरेंगे। लेकिन अब अगला सवाल है कि हु इज द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस। अभी तो मास्टर माइंड की तलाश भी जांच एजेंसियों को करना चाहिए। दिल्ली के लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं, वरना रोज यही जांच एजेंसी बन जाते थे, रोज यही जज बन जाते थे, रोज यही अपने आप को क्लीन चिट भी दे देते थे। रिकॉर्ड पर भी है और जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बयान भी है। सैकड़ों करोड़ का गबन करने के बाद अगर मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ईमानदार बताकर सत्येंद्र जैन की तरह जेल में जाने के बाद भी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए रखते हैं, तो आप समझ लीजिए दिल्ली की लूली लंगड़ी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके तमाम मंत्री, दो मंत्री तिहाड़ जेल में, सिर्फ इसलिए बंद है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी दिल्ली के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही फर्जी है, क्योंकि आरोप फर्जी है। बेसिक इंक्वायरी किस बात की? जब कोई आरोप का तथ्य हो, आधार हो, तब तो आप इंक्वायरी की बात करें। आप सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के जरिए रेड मरवा रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप फिर भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तब जबकि चार्जशीट में नाम भी नहीं है, तो किस तरह की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। वहीं शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है।
बताया जा रहा है कि सिसोदिया सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए थे। अब सीबीआई आगे की कार्रवाई कर रही है, मगर ये शराब घोटाला है क्या, अब वो जानिए। इस हंगामे की पटकथा नवंबर 2021 से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली सरकार ने शराब नीति को बदलने और नई शराब नीति लागू करने का बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग देख रहे डीपीसीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की। इस नई नीति के तहत शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानें 100% प्राइवेट हो गईं। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा शराब की 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से दिल्ली में कुल 850 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रखने की अनुमति थी। नीति के मुताबिक लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27% की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी थी। सरकार ने तर्क दिया कि नई शराब नीति से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ये नई शराब नीति सवालों में घिरने लग गई। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति पर बीजेपी ने यह कहकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था? ये सारे स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर, क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशल मीडिया साइट इत्यादि में डाला था, हमने इसे उजागर किया है। बीजेपी ने दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर लगाया। पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तो अब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि सरकार को 329.89 रुपए का फायदा मिलता था। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल में रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33.35 रुपए पहुंच गया, जबकि सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 रुपए रह गया। आज तक ब्यूरो। शराब का यही पूरा का पूरा खेल, जिसमें मनीष सिसोदिया के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई चली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी ने दरअसल उनके खिलाफ साजिश की है, क्योंकि वो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली में जिस तरह का उनकी ओर से कामकाज किया गया है, उससे बीजेपी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए राहुल, चूंकि लगातार तस्वीरें भी, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल के पास हम चलेंगे। अरविंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, पेशी के लिए कब लेकर जाया जाएगा, कुछ टाइमिंग के बारे में पता चल पाया है क्या? नहीं, देखिए अभी टाइमिंग क्लियर नहीं की है सीबीआई की टीम ने। सबसे पहले तो मेडिकल होगा, कल पहले खबर आई कि देर रात मनीष सिसोदिया का मेडिकल होगा, लेकिन आज सुबह मेडिकल होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सीबीआई ये तय करेगी कि क्या उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करना है, क्या सुरक्षा कारणों से, या फिर फिजिकली मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। ये बातें कुछ देर बाद क्लियर हो जाएंगी चित्रा, लेकिन फिलहाल जरा मैं आपको सीबीआई मुख्यालय की ये तस्वीर दिखा दूं। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है और पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर
दी गई है। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता खोला गया है, दिल्ली पुलिस के यहाँ जवान है, एक एक गाड़ियों की बकायदा चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। पूरा जो लोधी कॉलोनी का इलाका है और सीबीआई मुख्यालय ये जो जहां पर है वहां से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इसी तरीके की बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो भी गाड़ियां अंदर सीबीआई मुख्यालय की तरफ जा रही है उनको चेक किया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं, कल जब मनीष सिसोदिया 11:30 बजे यहां पर पहुंचे थे तो पीछे पीछे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, हालांकि उनको काफी दूर तक रोक दिया गया था और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बकायदा हिरासत में भी ले लिया गया था। संजय सिंह समेत तमाम नेता अभी भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और इन सबके बीच एक के बाद एक तमाम जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। आज मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया जाएगा। कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो सीबीआई की टीम है उन्होंने ऑफिशियली मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था। तो गहमा गहमी सीबीआई मुख्यालय के बाहर आप देख पा रही होंगी दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती। आज मनीष सिसोदिया का मेडिकल कराया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई के इसी मुख्यालय में जहां मनीष सिसोदिया ने कल पूरी रात सीबीआई के हवालात में गुजारी है, इसी सीबीआई मुख्यालय में जो वो उन्होंने रात गुजारी है और आज मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको अदालत में सीबीआई की टीम। ठीक है, मैं फौरन लौटी हूँ अरविंद आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी आप देते हुए। मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई क्या पेशी के लिए जाएगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।